हेलो गाइस, दिस इज सचिन जांगड़ा एंड आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फटाफट बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि आपको थर्ड पॉइंट समझ नहीं आ रहा जो एनएमसी ड्राफ्ट ने थर्ड पॉइंट बनाया। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बट जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। बट उसी चीज को बहुत सारे लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं इसके ऊपर। एक में मैंने जनरली बताया था कि क्या कुछ है इसमें, उसमें मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। एंड उसके बाद मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी जिसमें मैंने सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया था। बट फिर भी थर्ड पॉइंट बहुत से लोगों को समझ नहीं आया। एंड मैं वीडियो देख रहा था तो बहुत सारे लोगों ने गलत वीडियो बना रखी है, थर्ड पॉइंट को वो सही तरह से नहीं समझा पा रहे हैं। तो फाइनली हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं और थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं थर्ड पॉइंट के थ्रू। तो प्लीज लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको पूरा थर्ड पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इस थर्ड पॉइंट का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब ये जो पॉइंट है ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आफ्टर एमबीबीएस, सिंपल। अब इसके तीन पॉइंट है, ठीक है। हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट प्रायर टू एंट्री इनटू मेडिकल कॉलेज फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया प्रायर टू ज्वाइनिंग अ मेडिकल कॉलेज ओवरसीज। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट में सिर्फ उन लोगों की बात करी गई है जिन लोगों ने 11th एंड 12th अपनी इंडिया से की है, बट उसके बाद वो लोग एमबीबीएस करने बाहर आ गए हैं। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने 11th 12th इंडिया से करी एंड उसके बाद मैं यूक्रेन आ गया एमबीबीएस करने के लिए। तो ये पॉइंट सिर्फ मेरे लिए और मेरे जैसों के लिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इस पॉइंट में सिर्फ इतना बताया गया है उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने 11th 12th करी है इंडिया से एंड बाकी का कोर्स किया अपना एमबीबीएस का बाहर से। ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए। अब इसमें वही सिंपली सारी चीजें हैं जो पहले होती थी कि आपका 12 साल का स्कूलिंग होना चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और वो सारी चीजें। फिर आते हैं 3.2 की तरफ, ठीक है। 3.2 में क्या बताया, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज एमबीबीएस और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इसमें बताया गया है कि 3.2 है इसमें आपको बोला गया है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने 11th 12th एंड साथ में एमबीबीएस दोनों चीजें बाहर से करी हैं। मतलब 10th के बाद ही आप इंडिया से बाहर चले गए, ये पॉइंट उन बच्चों के लिए, ना कि उनके लिए जिन लोगों ने 11th 12th इंडिया से किए एंड उसके बाद एमबीबीएस करने बाहर चले गए। दोनों पॉइंट्स में फर्क समझना। 3.1 में बताया गया है कि आपने 11th 12th इंडिया से करी, आफ्टर 12th आप एमबीबीएस करने बाहर आ गए। 3.2 में बताया गया है कि आपने 11th 12th भी बाहर करी और एमबीबीएस भी बाहर करी। तो ये उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें 3.2 के ए पॉइंट में आपको दिया गया है कि आपको 12 ईयर का स्कूलिंग होना चाहिए, इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए और जो मेडिकल का स्टडीज है आपका वो भी इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। इसके ये सारे पॉइंट्स हैं। और इसमें ही आपको बताया गया है कि आपका 4.5 ईयर्स यानी 54 मंथ का आपका कॉलेज होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर वो आप कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपका 48 मंथ्स का होना चाहिए एंड साथ में 12 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए, सिंपल। वेज उसके बाद आपका डी पॉइंट आता है। डी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी पॉइंट में इन लोगों ने बोला है कि जो एंटायर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग है यानी आपका जो एमबीबीएस का कोर्स है, ठीक है, ये बात उन बच्चों की चल रही है जिन लोगों ने 11th 12th और एमबीबीएस दोनों बाहर से किया है, ठीक है, उनके बारे में बात चल रही है। जो मेरे जैसे हैं उनकी बात पहले पॉइंट में खत्म हो चुकी है, उनके लिए कुछ नहीं है उसके बाद। तो 3.2 सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 11th 12th एंड एमबीबीएस दोनों बाहर से किया, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि एंटायर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शेल बी आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शुड हैव बीन डन इन इंडिया और इन एनी कंट्री अदर देन कंट्री फ्रॉम वेयर अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग इज ऑब्टेन्ड। इसका साफ साफ मतलब ये बैठता है कि आपका ट्रांसफर अलाउड नहीं है। किन बच्चों का? जिन लोगों ने 11th 12th एंड एमबीबीएस दोनों बाहर से किया, उन स्टूडेंट्स के लिए, ना कि मेरे जैसों के लिए जिन लोगों ने एमबीबीएस सिर्फ बाहर से किया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ई पॉइंट, इसी का जो 3.2 का ई पॉइंट आता है कि पर्सन शेल बी एलिजिबल टू रजिस्टर्ड लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द कंट्री वेयर द एमबीबीएस और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल डिग्री हैज बीन अवॉर्डेड बाय दैट फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन द रजिस्ट्रेशन दैट इन दैट कंट्री शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अब ये वाला जो पॉइंट है ये मैं पहले भी अपने कमेंट सेक्शन में बता चुका हूँ, दोनों वीडियोज में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। ये वाला पॉइंट भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने 11th 12th एंड एमबीबीएस सारी चीजें बाहर से करी है, ठीक है, कि आपका जहां से आप एमबीबीएस कर रहे हो वहां आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 10 साल के लिए आपका एटलीस्ट लाइसेंस वहां पे वैलिड होना चाहिए जहां से भी आप एमबीबीएस कर रहे हो। ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 11th 12th एंड एमबीबीएस दोनों बाहर से किए। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। 3.1 मैंने आपको समझा दिया।
3.2 मैंने आपको समझा दिया, ए बी सी डी जो भी उसके पॉइंट थे, मेन आपको यही कंफ्यूज कर रहे थे पॉइंट्स की ट्रांसफर वाला जो सिस्टम था कि ट्रांसफर किसके लिए अलाउड नहीं है, और इंटर्नशिप वाला कि आपका 10 साल के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आप जहां करवाते हो वो आपका 10 साल के लिए एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए, तो उस पॉइंट में आप कंफ्यूज थे, वो आपके मैंने क्लियर कर दिए। अभी 3.3 ये तो वही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। 3.3 में सिर्फ इतना सा कि ये सबके लिए, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए या उनके लिए जिन लोगों ने 11, 12 और MBBS सब चीज बाहर से किया है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो नेक्स्ट वन होगा उसके साथ एक एडिशनल पेपर लिया जाएगा, ये पहला पॉइंट। और दूसरा इसका मेन पॉइंट ये कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए नेक्स्ट हो जाएगा तब तक जब तक हम जाएंगे, तो उसके आपको सिर्फ 2 साल का टाइम मिलेगा। आप 2 साल में कितना भी अटेम्प्ट हो वो मैटर नहीं करता, टाइम लिमिट 2 साल का होगा, ये ड्राफ्ट का ये मतलब है। तो दैट्स इट, आई होप कि आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मैंने बिल्कुल डिटेल से समझा दिया आपको फटाफट अच्छे से और एक एक पॉइंट को सही से समझाया, तो आई होप कि अब सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, थोड़ा टाइम लगे कमेंट में, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे मेरे को रिप्लाई करने में, बट आई डेफिनेटली रिप्लाई। तो दैट्स इट, और ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, पूरा डिकोड किया आपके सामने, इस इन्फॉर्मेशन को आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो दैट्स इट गाइस, एंड अगेन आई एम टोटली अगेंस्ट दिस, सो देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी होगा हमारे अच्छे के लिए होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।